しようかな。夏が来た、どうしようかな。बाबा साहब ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। पेश है आज सर्वे रिपोर्ट। 98% लोग मुझे जानते हैं, 80% पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के सिद्धांतों को मानते हैं, 95% पढ़े लिखे लोग की पत्नियां ढोकोसलो और तीज त्योहार मनाती हैं, 98% पढ़े लिखे लोगों की पत्नियां और बच्चे भगवान बुद्ध के बारे में नहीं जानते हैं, 80% पढ़े लिखे लोगों के ड्राइंग रूम में बाबा साहब की फोटो है, लेकिन उनके अंदर एक छोटा सा मंदिर भी है और उस मंदिर का घंटा बजाने में अपना समय बर्बाद करते हैं, 80% पढ़े लिखे लोग कोई ना कोई नशा जरूर करते हैं, 90% पढ़े लिखे लोग आरक्षण का पूरा लाभ लेते हैं और काम ब्राह्मणों द्वारा बताए गए कामों को करते हैं, 0% पढ़े लिखे लोगों के आर्थिक संगठन है लेकिन बाबा साहब के विचारों पर चलने के बजाय उनकी जय जयकार करते। गांव में अनपढ़ सीधे साधे लोगों का सर्वे किया गया। बाबा साहब को जानते हैं लेकिन सिद्धांतों को बिल्कुल नहीं जानते। बाबा साहब ने कहा था, मेरी जयंती मनाने से मेरा कार्य पूरा नहीं होगा, मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी। बाबा साहब की जयंती पर सिर्फ जय जयकार करने के लिए करोड़ों रुपया तो खर्च कर देते हैं लेकिन उनके विचारों को 6,743 जातियों में प्रचार प्रसार करने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। ऐसे पढ़े लिखे लोगों को हमें धिक्कार करना चाहिए क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पूर्णता मेरे विचारों की। ये है शिक्षित समाज का दोगला चरित्र, खाते हैं बाबा साहब की वजह से, इज्जत है बाबा साहब की वजह से और अदायगी इधर उधर अपने समाज के महापुरुषों को रौंद कर करते हैं। जागो और आगे बढ़ो स्वयं को महान विद्वान समझने वालों। जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।